अकलमंद को इशारा और अहमक को फटकारा अकलमंद इशारे में ही समझ लेता है जबकि मूर्ख व्यक्ति को सबक सिखाने पर ही वह समझता है यही हाल चीन का और इसराइल के दुश्मनों का भी है इसराइल ने अब ऐसा क्या ऐलान कर दिया है कि चीन और रूस दोनों परेशान हो गए हैं। इसराइल की कौन सी बात बड़ी बुरी लगी है खासकर गारंटी वाली कौन सी गारंटी की बात है जानेंगे विस्तार से इसके अलावे आखिरकार भारत ने चीन के खिलाफ उतार ही दी अपनी सबमरीन इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इसराइल ने सीधे सीधे रूस और चीन को नो गारंटी वाली चेतावनी दे दी है आखिर इसराइल ने ऐसा क्या किया है इसराइल अपने सुरक्षा से बिल्कुल समझौता नहीं करता है और यहाँ तक कि उसकी जनता को भी आप देखेंगे भले ही उसके नेता के ऊपर किसी भी तरह के आरोप लगे हों लेकिन युद्ध की लड़ाई की या किसी भी ऐसे सुरक्षा की बात आती है तो उनकी जनता हमेशा अपने नेता के साथ खड़ी रहती है अभी فلسطین के मामले में इजराइल पहले से ही आक्रामक है लेकिन अब नया नवेला ईरान जैसे ही वाइडन की सरकार बन रही है ईरान और रूस चीन मिलकर यह सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर से परमाणु कार्यक्रम का जो प्रतिबंध लगा हुआ है वह बाइडेन के आने के बाद हट जाएगा जिसका फायदा ईरान उठाएगा और ईरान का फायदा उठाने का मतलब है ये सीधे सीधे इसराइल के लिए बड़ी समस्या पैदा करेगा भले ही इसराइल में नेतान्याहू की सरकार गिर चुकी है और भले ही दो साल में चार बार चुनाव हो रहे हैं लेकिन सुरक्षा की जहाँ तक बात आती है वहाँ इसराइल बिल्कुल भी समझौता नहीं करता है यही वजह है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद इसराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और इसराइल छह दिन में छह लड़ाइया जीत लेता है जहाँ आजकल फिलिस्तीन के द्वारा देश के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के दो रॉकेट दागे गए थे जिसके बाद इजराइल ने भी आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए गाजा पट्टी के कई जगहों पर हवाई हमले किए इजरायली सेना ने बताया कि उसने हवाई हमलों में गाजा के आतंकी समूह हमास के रॉकेट निर्माण इकाई और ट्रेनिंग और कैंपों पर निशाना बना लिया है बात यहीं तक नहीं रुकी है अब इजराइल ने साफ-साफ यह कह दिया है कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उस तरह से जराइल कोई गारंटी नहीं देगा कि ईरान के ठिकानों पर वह हमला नहीं करेगा रूस और चीन की ईरान के साथ बढ़ती हुई दोस्ती को देखते हुए ने ये भी कह दिया है कि वह इस चीज का फिक्र नहीं करेगा कि कौन किसके साथ खड़ा है भले ही चीन और रूस का उसने नाम न लिया हो लेकिन चीन और रूस को उसने चिंता में जरूर डाल दिया है इसराइल के अनुसार इसराइल बिल्कुल भी हमला करने से नहीं हिचकेगा और यह बात उन्होंने साफ कर दी है ऐसे में ईरान के लिए यह जरूर चिंता की बात है क्योंकि अमेरिका और इसराइल हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में सीधे सीधे ईरान पर हमला बोल दें ऐसे में क्या रूस और चीन ईरान के साथ खड़ा होंगे या रूस वही हाल करेगा जो अजरबैजान अर्मेनिया के मामले में हुआ था ये तो खैर वक्त ही बताएगा लेकिन इसराइल ने अपनी बात साफ जरूर कर दी है वहीं दूसरी तरफ महामारी शुरू होने के साथ साथ चीन ने बड़ी चालबाजी करी थी और उसने कोशिश करी थी कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उसको मिला ले जिसमे उसने नेपाल पर भी डोरे डाले पाकिस्तान पर तो पहले से ही वो गुलाम बनाकर रखा हुआ है और श्रीलंका पर भी डोरे डाले साथ ही साथ भूटान और मालदीव बांग्लादेश हर जगह उसने भारत को घेरने की कोशिश करी पड़ोसी देशों पर चीन के बढ़ते असर को काउंटर करने के लिहाज से भारत ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसियों में से एक है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है पिछले कुछ सालों से दोनों देशों में वैसे तो समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर मजबूती देने की कसम खाई गई है जिसके तहत भारत के सेना प्रमुख म्यांमार की यात्रा पर भी गए थे दरअसल म्यांमार के रास्ते भारत में उपद्रवियों को घुसाने की ताक में था चीन जिसके बाद भारत ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया और भारत ने म्यांमार की सेना को और म्यांमार को मजबूत करना शुरू कर दिया ताकि चीन को काउंटर करना आसान हो इसी के तहत भारत ने किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी म्यांमार को दी है वैसे आपको बता दें इसका निर्माण सोवियत संघ में किया गया है और डिजाइन भी इसे सोवियत संघ में ही किया गया है और अब तक इसे इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही थी भारत ने म्यांमार को किलो क्लास सबमरीन आई एन सिंधुवीर दिया जिसे म्यांमार ने अपनी सेना में शामिल भी कर लिया है ये दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को दिखलाता है पड़ोसी देश पर चीन के बढ़ते असर को काउंटर करने के लिहाज से भारत का यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है दरअसल चीन अपनी पुरानी को म्यांमार को बेचना चाहता था इससे पहले बांग्लादेश ने चीन से दो पुराने सबमरीन खरीदे थे जिसके बाद वो सबमरीन उसे खराब निकले और वो वापस लौटाने की बात कहने लगा तो चीन ने उसे स्वीकार ही नहीं किया और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो चीन की गोद में पहले से ही बैठा हुआ है ड्रैगन धीरे धीरे भारत के अन्य पड़ोसियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था नेपाल जो कि अब डालिमा वाली स्थिति में पहुंच चुका है यही वजह है कि भारत ने भी अब अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को अच्छा करने के लिए म्यांमार को सबमरीन देने का फैसला किया तीन हजार टन के आईएनए सिंधुवीर को रूस और भारत दोनों ही जगहों पर लगातार हाईटेक बनाया गया है इस लिहाज से आईएनए सिंधुवीर नई टेक्नोलॉजी से लैस है और इकतीस साल बाद भी यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है हाल ही में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिप लिमिटेड में इसमें डीजल इलेक्ट्रिक बोट के आधुनिकीकरण पर भी काम किया गया है भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाने के मकसद से म्यांमार की नौसेना को ट्रेनिंग भी दे रही है भारत और म्यांमार की सेनाओं ने विद्रोही समूहों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान भी चलाया है जिसके तहत चीन अब बड़ी मुश्किल में फंस गया है क्योंकि आराकान ग्रुप को जहाँ चीन बढ़ावा दे रहा था अब उस पर भारी पड़ रही है भारत और म्यांमार की सेना वैसे आपको क्या लगता है आई एन सिंधुवीर को म्यांमार को देकर भारत ने सही किया या गलत किया कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ